22 जनवरी तक धर्मनगरी के 22 स्थानों पर दीपोत्सव की हुई शुरुआत। रामशैया में कीर्तन के बाद सैकड़ों दीपों की हुई जगमगाहट। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों का भगवान के प्रति प्रेम व उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपने तरीके से भगवान की पूजा करने में लगा है। मूर्ति स्थापना को लेकर कर्म भूमि चित्रकूट में अभूतपूर्व उत्साह है। महंत जगेंद्रनाथ मंदिर और बुंदेली सेना ने 22 जनवरी तक धर्मनगरी के 22 प्रमुख स्थानों पर दीपदान, कीर्तन और पूजन की तैयारी की है। इसी कार्यक्रम को लेकर रामशैया में सैकड़ों दीप जलाकर इसकी शुरुआत हुई। इस दौरान बुंदेली सेना जिलाध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, ये गर्व का क्षण है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण के गवाह बनेंगे। धर्मनगरी तो प्रभु की कर्म भूमि रही है। यहाँ प्रभु ने वनवास काल के 11.5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत किया। 22 जनवरी की तारीख को यादगार बनाने के लिए तीर्थ क्षेत्र के 22 प्रमुख धार्मिक स्थलों में दीपदान की योजना है। शुरुआत रामशैया से हुई है। विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद कीर्तन हुआ और इसके बाद सैकड़ों दीपों से रामशैया को जगमग कर दिया। मत्ता गजेंद्र नाथ मंदिर ट्रस्ट रामघाट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप दास महाराज ने बताया कि 22 स्थानों पर दीपोत्सव मनाने के बाद मत्त गजेंद्र नाथ मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले समारोह के दिन विशेष पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रुद्राभिषेक का दौर चलेगा, मंदिर की भव्य सजावट होगी और शयन आरती तक भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का दौर जारी रहेगा। भगवान ठाकुर जी माँ जानकी से शयन करते थे, विश्राम करते थे, इसीलिए रामशैया नाम। अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं तो 22 तारीख तक हम लोग तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट के 22 प्रमुख जगहों पर दीप दान करेंगे, पूजन करेंगे और कीर्तन करेंगे। प्रभु श्री राम सर्वाधिक समय वनवास काल के 11.5 वर्षों तक चित्रकूट में रहे हैं, यह उनकी कर्म भूमि है। अयोध्या से कहीं अधिक उल्लास हर्ष का माहौल चित्रकूट में है और उसी को जो है हम लोग परिलक्षित कर रहे हैं। 22 प्रमुख स्थानों पर पहले कार्यक्रम होगा, फिर 22 जनवरी के दिन अंतिम कार्यक्रम राजाधिराज मत गजेंद्रनाथ सरकार में होगा। वहां पर सुबह से ही भजन पूजन कीर्तन और रुद्राभिषेक का दौर शुरू होगा। शाम को शयन आरती तक भोग प्रसाद का वितरण चलता रहेगा और भव्य कार्यक्रम के बीच में हम प्रभु श्री राम के विराजमान का जो उत्सव है वो मनाएंगे। आज आपने कहां ये उत्सव किया है? आज इस कार्यक्रम की शुरुआत रामशैया से हुई है और इसके बाद रोज हम 2 से 3 स्थानों पर दीपांजलि करेंगे। इसके अलावा वहां पर भजन पूजन कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। क्या नाम आपका? अजीत सिंह, जिलाध्यक्ष बुंदेली सेना। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।